for life. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बाइपर जॉय। अभी ओमान पहुंचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वार्निंग जो है सी साइड पे इशू हो चुकी है यूएई की तरफ से, और थोड़ा थोड़ा सी जो है ना वो खौफनाक सा हुआ है। आज आपसे शेयर करेंगे। आई होप इंडिया और पाकिस्तान में सब लोग ठीक रहे होंगे। मैं चूंकि पाकिस्तान से हूँ तो जाहिर है मुझे पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो जो मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे जरूर बताएं कि इंडिया की क्या सिचुएशन रही है। अल्लाह ताला सब को अपनी हिफाजत में रखें। पाकिस्तान में तो ये है कि काफी हद तक बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाकी किसी को अपडेट है तो जरूर बताइएगा। तो खैर जी, नाश्ता बना रही थी मैं, बच्चों को कराई हुई थी छुट्टी। बस जून का महीना ऐसे ही गुजर रहा, ना कोई पढ़ाई ना कुछ, स्कूल बुला के बिठा लेते हैं तो बस ईद का वेट हो रहा है। ईद के बाद से फिर छुट्टियां हो जाएंगी प्रॉपर। बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, तो बस फटाफट से हम कर लेंगे ब्रेकफास्ट। Yummy cream. Yummy cream, okay. Don't forget to say Bismillahirrahmanirrahim. Okay, can I eat your brain? No, don't eat my brain. You're not a zombie. Can I eat your heart? No. Can I eat you? No. No. ये फ्रेंच टोस्ट देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये मिस्टर तिहामी का फ्रेंच टोस्ट है, जो कि फ्रॉस्टिंग से भरा हुआ होता है और बड़े मजे से खुश होकर डिजाइन बनाता है और भी खाता भी है। मैं तो मतलब इतना मीठा मैं नहीं खा सकती, बच्चों की एज ऐसी होती है मीठा बड़े शौक से खा लेते हैं। तो खैर जी, बच्चों को भी दे दिया साथ में फ्रूट और मैंने भी अपने लिए फ्रूट ले लिया। मैंने लिए हैं ग्रेप्स, मेलन और ब्लैक बेरीज और साथ में ब्लू बेरीज। तो ब्लैक बेरीज के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं कि ये अंदर से कैसी लगती है, ये क्या चीज है, यहाँ पे नहीं मिलती है, जिस भी इलाके से कमेंट आया हुआ था। तो मैंने सोचा मैं शेयर कर ही देती हूँ। इसको काटते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये जो छोटे छोटे से बॉल लगे हुए ना बेरी के ऊपर, तो यही इसका पल्प है और इसके अंदर एक छोटा छोटा सा सीड होता है, वो खाने वाले होते हैं सारे सीड्स, और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है। अभी मैं आपको इसके ऊपर वाले ये जो छोटे छोटे बॉल हैं ये भी अलग करके दिखाऊंगी, बड़े मजे के लगते हैं। कभी आपको मिले तो आप ट्राई जरूर करें, अच्छी है, मजे की है। और हम लोग तो मतलब बेरीज वैसे भी अच्छी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे चूंकि सस्ती मिलती हैं तो इस वजह से हम लोग बेरीज का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान में तो ये बेरीज अच्छी खासी एक्सपेंसिव साइड पे होती हैं, सो इसलिए इतनी ज्यादा मिलती भी नहीं है, और जो मिलती हैं तो फिर कम लोग ही लेते हैं। यहाँ पे तो ऐसे 4 दिरहम 5 दिरहम में मैकडॉनल्ड्स से सस्ती, जितने में एक मैकडॉनल्ड्स का मील आए ना तो उतने में 4 ब्लूबेरीज के पैकेट आ जाते हैं, बल्कि 6 पैकेट आ जाते हैं, इस तरह से आप सोच लें। हमें ये देखे थे हमें क्या लेके आया, सारा दिन इसको यूज करता है। अच्छा मिशो, लुक व्हाट आई सेंट फॉर यू, लुक, यू आर सो ब्रेव, डियर मिशी बेबी गेट वेल सून। अच्छा नाउ नेक्स्ट, आई होप यू फील बेटर सून, इंशाल्लाह, लव यू मिशी बेबी। ओ लिटिल टेडी बियर इज नॉट वेल। Oh, a get well hug, Mishu baby. My prayers are for you get well soon, baby. Wow. इन्हें मैं तो वीडियो बना रही, मेरी तरफ से हगी दो मिशु को, अम्मी की तरफ से, तय आप हगी दो मिशु को। This huggy is from Ammi. Give Ammi also huggy. Yes. Give Ammi a huggy. Oh. And talk to Ammi also. Now talk to me. Say assalamualaikum. Thank you, mommy. I like this picture, and this picture. Oh, you happy? I only like this one and this. And this one and this one. Oh. मैं मिशी खेल रहे थे और मिशी ने ये निकाल के फेंक और कहते sacrifice my goat, और ये देखें जी sacrifice कैसे करते हैं हम। She teach everyone how to sacrifice a goat. This how we sacrifice a goat. Hold his neck, then you do.
हाँ जी, आपने फिर ऐसे पकड़ के आपने ऊपर ऊपर से नीचे फेंकना है, आपकी गोट सैक्रिफाइस हो जाएगी। हाँ जी, द इजीएस्ट वे एवर। ओके, वी फाउंड अ न्यू हैक फॉर सैक्रिफाइसिंग अ गोट। मिस्टर डू डू सैक्रिफाइसिंग अ गोट डांस। व्हेन यू डन सैक्रिफाइसिंग गोट, व्हाट डू यू डू देन? या यू डांस लाइक दैट। ओके, सो थ्री स्टेप्स इजी। फर्स्ट आपने इससे पकड़ना है गोट को, ऊपर से नीचे फेंकना है, और फिर आपने विक्ट्री डांस करना है। Oh no! WWE. 1, 2, 3. Ding ding ding. ऑफिस से तो आ गया था, इतना एंजॉय करके कि आहा, लास्ट वर्किंग डे, अब तो मजा आएगा यार कसम से। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में है। आज थर्सडे और मैं बहुत मजे में, क्योंकि फ्राइडे, एक्सक्यूज मी, सॉरी, 25.1 हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और इसलिए मैं बहुत खुश नजर आ रही हूँ। ड्राइव करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन कि चाय क्या होती है। ये चाय वो है कि हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, और ये चाय है। हम जा रहे हैं एक स्मॉल लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, स्मॉल के वो बहुत लॉन्ग ड्राइव। हाँ जी, ये बच्चे आवाज़ आ रही है, कितना लंबा हो गया मेरे सीधे। वैसे माशाल्लाह ये है कि हम एंजॉय करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उठा के फिर निकल भी जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो देखें गुड्डू को, किससे पहले कि मैं रोकूं या मूड चेंज होगा, भागती हुई जा रही है, वो चेक करे जरा। ओ निकल रही है वो, दरवाजा बंद। हाँ जी, चलो ओके, चले मिलते हैं फिर। ये मेरे दोस्त के लिए चाय आ गई है, मेरे गुड्डू दोस्त के लिए। इनकी चाय बहुत अच्छी होती है। शराद की मजे की बात यह है कि शराद हमेशा ड्राइव पे ले आते हैं, लंबी लंबी ड्राइव पे आते हैं। तो हम यहाँ पे आगे अमूल कुएन, एक अजमान वाली भी साइड है, वहां पे एक आगे करके सी की एक साइड बनी हुई बीच है, तो वहां पे सबसे पहले वार्निंग जारी होती है, तो इस वजह से उधर तो हम गए नहीं कि डेफिनेटली वो एरिया वार्निंग में होगा। तो हमने कहा यहाँ पे रोड भी है, देखेंगे अगर लोग खड़े हैं तो हम भी खड़े हो जाएंगे, नहीं लोग खड़े तो मतलब यहाँ पे वार्निंग है तो हम भी नहीं खड़े होंगे। बट लोग यहाँ पे खड़े थे, बैठे हुए भी थे, तो हमने कहा आके देखते हैं। तो ये देखें किस तरह समंदर आके, एक तो तेजी बहुत है इसके अंदर, अभी ओमान पहुंचा नहीं है, पता नहीं कितने दिनों में आएगा, लेकिन ऑलरेडी हवाएं तेज हैं और समंदर में तेजी और वेव जोर जोर से टकरा रही हैं, जैसे पहले इस तरह हमने कभी भी नहीं देखा यहाँ पे उमुल कुएन पे। ओह कितनी जोर से आ रही हैं, मतलब लिटरली जो है ना ऐसे लग रहा है सी बेचैन है, है ना? बिल्कुल ऐसे। और इसकी ये ऊंचा भी हुआ हुआ है ना, इतना ऊंचा तो नहीं था ये। वो देखें 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 देखें, एंग्री। ये है सारी जगह, हम उमुल कुएन आए हुए हैं। और ये जब जब रात हो रही है साथ साथ देखने अभी भी ऐसे। ओ स्केरी है ना। ऐसे लग रहे साथ साथ ही ऊपर आता जा रहा है, फौरन फौरन है ना। उफ अल्लाह, ये और आ रही है वेव। मिशारी तो डर के मारे निकला नहीं है बाहर, मिशारी कह रहे नो आई एम स्केर्ड। मिशी को वैसे ही सैंड कह रही हूँ, स्टॉर्म साइक्लोन इस तरह की चीज़ों से डर लगता रहता है। स्ट्रॉन्ग विंड, हाँ स्ट्रॉन्ग विंड, टॉर्नेडो शोर मचाता है। ये है जी हमारे पीछे, ये पीछे से आपको नजर आ रही है वेव बहुत तेज। मिशारी को आंधी तूफान से बहुत डर लगता है। 2 साल पहले बच्चों को लेके हम पाकिस्तान गए थे, तो उस टाइम पे जो है वो ये देखें वेव्स, देखा आपने रोड पे भी चलते हुए कितनी ऊंची ऊंची नजर आ रही हैं। यहाँ से मैंने अक्सर आपसे वीडियो क्लिप शेयर किए, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता। बहरहाल तो मिशारी बहुत डरता है, पहले छोटा था तो बारिश आंधी तूफान वगैरह उसे ज़्यादा उसको मैटर नहीं किए थे, अब वो चूँकि डरता है। तो मैं देखना चाहूँगी, इंशाल्लाह प्लान तो है पाकिस्तान जाने का, देखें अब जो अल्लाह को मंजूर, तो हम लोग जाएंगे, वहाँ पर आंधी तूफान होगा तो मैं मिशी का रिएक्शन भी इंजॉय करूंगी और आप सबसे भी शेयर करूंगी।
came out. MashaAllah, show me. Fish. Oh, say it again. Fish. Oh, you can say it, Mishu. You thought I was saying fish? Yes. Fish. उसे सबसे पहले काम ये किया फिश चेक करके देखा क्या क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आप सबके लाडू का ना ये आगे वाला टूथ निकल आया, ये देखें, ये मिशी सबको दिखा रहा है। और ये देखें जी, इसके मैंने रखी हुई है ना वो टीथ, इसके संभाले हुए हैं, वो बाहर बॉटल्स पड़ी हुई है, वहां से ही निकाल देंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी स्किन के लिए क्या यूज कर रही हूँ, तो मैं सोचा आज दिखा दूं, कहती हूँ और फिर जहन से निकल जाता है, फिर आपके कॉमेंट्स आते हैं तो पता चलता है। अच्छा, मैं जो है ये यूज कर रही हूँ प्रेस्क्रिप्ट स्किन का है ये विटामिन सी ब्राइटनिंग एलिक्सर, और ये है विटामिन सी मॉइस्चराइजर बाय प्रेस्क्रिप्ट स्किन। मैं इसको मंगवाती हूँ वहां से आई हर्ब से, तो मैंने नेट पे चेक कर लिया कि मैं अगर आपसे लिंक शेयर करूँ तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं बजाय इसके कि आप जाएं और देखें आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन खैर आपने इसे चेक करना हो वहां पे नोटिफाई मी का ऑप्शन भी होता है, तो नोटिफाई मी पे क्लिक कर दें, वो आपसे ईमेल मांग लेंगे, जब ये प्रोडक्ट आ जाएगी वो आपको ईमेल कर देंगे। ये तरीका हो सकता है। इसको ना मैं लगाती हूँ फीट पे भी और हैंड्स पे भी और फेस पे भी। तो पहले अब एलिक्सर लगा लेते हैं, चेक करें जरा कि मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। हाल मेरा ये है कि जो पहले लगाने वो बाद में है, जो बाद बताओ पहले, दिमाग खराब। बहरहाल ये आज मैंने अम्मी वाले कपड़े पहने हुए हैं, मेरी अम्मी ने जो भेजे थे ना, तो ये वाले फिर भी उतने खुले नहीं लग रहे, ये सही लग रहे हैं, इससे ज्यादा क्या टाइट करने हैं। अम्मी को अभी दिखाती हूँ कि अम्मी ये तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, वो आप लोग पूछते हैं ना कि ये आप साइज देख के नहीं मंगवाती, तो साइज का वो उसमें ऑप्शन होता है, साइज लिखे होते हैं, मैं ऐसे थोड़ी है क्लिक 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 पैसे जाया कर दिए। मैंने जब मंगवाए थे तो मैंने मंगवाए थे वहां से एथनिक बाय आउटफिटर से, तो उनका भी साइज देख के मैंने मीडियम साइज मंगवाया था, मेरे हिसाब से मीडियम साइज का मुझे साइज ठीक था। जब वो आए थे इतने इतने बड़े खेमे टेंट, अम्मी ने भी मीडियम साइज मंगवाया था तो वो भी इसी तरह ही टेंट आ गए थे। बहरहाल अब ये है कि अम्मी ने फिर मेरे लिए कपड़े ऑर्डर किए हैं, और अम्मी ने क्या किया कि जनाब अम्मी ने मुझे बताया कोई नहीं और ऑर्डर कर दिए कपड़े। मना भी अम्मी को करती हूँ, अम्मी जो है ना माँ माँ ही होती है, वैसे अम्मी को ये होता है कि ईद है तो चलो मैं भेज दूँ ना, तो वो फिर कपड़े जो है वो मैंने अम्मी ने मीडियम मंगवाए, पहले बाय डिफॉल्ट ही मीडियम मंगवा लिए, फिर अम्मी ने उनको खुद बैठ के ऑल्टर किया, तो वो अब अम्मी मुझे भिजवाएंगी कपड़े ना, तो ईद पे मैं वही पहनूंगी। अच्छा जी, ये दोनों चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मेरी स्किन केयर हो गई। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि बेड नहीं इसने सेट करने, नाश्ता बनाने जा रही है, तो मेरा जवाब है नहीं, आज शहजाद घर पे हैं, शहजाद घर पे मेरी हेल्प करा देते हैं, तो मैं खुद भी थोड़े थोड़े काम उनके फिर डाल देती हूँ, कोई शहजाद फटाफट आपके कर देते हैं, मैं जब नाश्ता बनाऊ फिर मेरी वीडियो भी एडिट करनी है, फिर हमने बाहर भी जाना है, ये वो ये वो। ये इसमें ना आपको पता नहीं शायद नजर आएंगे या नहीं, इसमें दो टीथ हैं, मिशी के टोटल चार निकले हैं, एक जो है वो स्कूल में निकल गया था, टीचर ने फेंकवा दिया, उन्हें पता नहीं था ऑब्वियसली कि मैं संभाल के रखती हूँ, तो ये एक और दांत, इनका हम कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे संभाल के रखे होते, हम ही के अब तक के जितने दांत निकले हैं ना, तो हम ही ने भी सारे संभाले हुए हैं, तो अभी मिशी के हमने थ्री कलेक्ट कर लिया। इसी तरह निटेला की छोटी सी बॉटल है, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है इस पे मैं नाम लिख दूं कि इनके मिक्स ना हो जाए, वैसे हमें तो पूरी बत्तीस ही इकट्ठी हुई है ना। डायनासोर की तरह फॉसिल्स नहीं जमा हुए होते हैं। तो हम ही तो देखते रहते थे, हम ही के बन बन दांतों को कीड़ा भी लग गया था एकदम। ब्रियोश का मैंने डबल बैच बनाया हुआ था, तो उसमें से लेफ्ट ओवर ब्रियोश जो थे मैंने सोचा कि उनका नाश्ता बनाते हैं आज, तो मजा आएगा कि ये वाले अंडे जो होते हैं ना इनकी योक हम तोड़ देते हैं, इसके ऊपर सॉल्ट पेपर वगैरह डाल लेते हैं, और ये स्क्रैम्बल्ड एग भी नहीं होता लेकिन वो फ्राइड टाइप का एग होता है बट लेस ऑयल में, तो खैर इसको दोनों साइड से हम इस तरह फुली कुक कर लेते हैं, और इसके सैंडविचेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आप देसी घी लगा के ना ब्रेड के ऊपर, सादी ब्रेड के ऊपर गर्म करें, उसको टोस्ट करें, क्रंची सा बनाएं और उसके अंदर इस तरह का अंडा डाल के, तो आप खा के देखें बड़ा मजा आएगा। एज यूजल वीकेंड पे हमारा यही काम होता है कि शहजाद मेरे साथ बैठ जाते हैं, गपशप लगाते रहते हैं हम लोग, और साथ साथ जो नाश्ते तैयार होते रहते हैं। मेरी
रेसिपीज को ट्राई करने के लिए, मेरे पे ये कॉन्फिडेंस रखने के लिए कि मैंने आपसे अच्छी चीज शेयर की होगी, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपका रिस्क है, वो मेरी वजह से जाया ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच, आपको मेरे पे इतना एतबार है कि मैं आपसे अच्छी रेसिपीज ही शेयर करती हूँ। अगर किसी रेसिपी में कोई गड़बड़ हो जाए ना, तो मैं आपके नोटिस में जरूर ले आती हूँ कि भाई इस रेसिपी में ये मसला हो गया था, तो आप इसको ट्राई ना करें। अगर कभी कोई बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाए, जो कि रेयरली होता है, तो आपको पता है कि मैं उसकी फिर रेसिपी नहीं शेयर करती, वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ आपसे। बहरहाल तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो रिस्पॉन्स आता है, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आपसे रेसिपीज शेयर करूँ। सारों की रेसिपीज अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग हो कुकिंग हो बहुत अच्छी बन जाती हैं, सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बाकी जिनसे फिर भी गड़बड़ हो जाती है, कोई एक दो लोग हैं नए होते हैं या कुछ होते हैं, तो उनको फिर मैं अकॉर्डिंगली गाइड कर देती हूँ, क्योंकि पता होता है कि रेसिपी में गड़बड़ नहीं है, ये शायद न्यूबीज हैं, तो चलो इनको एक्स्ट्रा हेल्प कर दी जाए गाइड करके। तो अच्छा जी, हमने क्या किया, उतनी देर में अंडे बना लिए हैं, और जो क्या कहते हैं एवोकाडो है वो भी मैंने कट कर लिया। एवोकाडो जो है ना फ्रिज में रख के कभी भी नहीं इस तरह से राइप होता, इसको मैं बाहर रख के पेपर में रैप करती हूँ ना, बड़ा अच्छा राइप हो जाता है। फ्रिज में रखा है तो सबसे पहले ये डार्क होना शुरू हो जाता है, और जितना अगर छोड़ दें तो वो यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ब्लैक हो जाता है। बच्चों के लिए भी साथ फ्रूट काट लिया, मिशी का दिल चाहता एप्पल्स खाने का और तेहामी का कीवी खाने का, तो बस मिशी को भी छोटे छोटे पीसेस बना दिए, क्योंकि इसके आगे तो दांत है नहीं अभी आजकल तो इस वजह से फॉर्क से खा लेगा एप्पल। मैंने शहजादे तो जस्ट एग और एवोकाडो ले लिया, क्योंकि वो काफी क्रीमी होता है तो वो इसलिए मजा आ जाएगा उसका। बच्चों के लिए मैंने केचप और मेयो लगा दिया। वीकेंड पे ना हमेशा दिल करता है कि कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाया जाए और कुछ डिफरेंट सा बनाया जाए, या तो हम लोग पराठे वगैरह बाहर से ही ले लेते हैं। आई एम सॉरी, आज एडिटिंग जरा गड़बड़ हुई हुई है। अच्छा खैर, नाश्ते हम लोग जो है वो ज्यादातर बाहर से ले लेते हैं, और घर पे बनाए तो मुझे ये होता है कि बस कुछ स्पेशल ही खाना है, वही अंडा ब्रेड या न्यूटेला सैंडविच, वो नहीं, उसका मजा नहीं आता। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस दिन का जो पार्ट टू था वो मैंने फिर आपसे इसी वीडियो में शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो हम लोग गए थे फिर से घर देखने, और क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, क्या चल रहा है हमारी पॉकेट में, और क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, वो मैं आपसे अगली आने वाली वीडियोज में साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। जब जब मौका बनेगा मैं आपसे जरूर शेयर करती जाऊंगी। तो खैर जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे सेफ, अल्लाह करे आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें, सेफ रहें, आमीन सुम आमीन। दुआ में हमें भी याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।